तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं खान सर जीएस सेंटर। तो देख रहे हो कितने सारे बच्चे बाहर आ रहे हैं, मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चे जा रहे हैं अंदर, कुछ बाहर आ रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोचिंग का मेला चल रहा है अंदर। भाई मैं तो दंग रह गया भाई देख के, इतना बड़ा रिसर्च सेंटर बना रखा है खान सर ने, और काफ़ी लोकप्रिय वो ऐसे टीचर हैं जिनके 17 मिलियन सब्सक्राइबर यूट्यूब पे हैं, वो पहले ऐसे टीचर हैं। यही है उनका कोचिंग सेंटर पटना के अंदर, बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रहे हैं। मैं अंदर जाने की कोशिश करूँगा, देखते हैं भाई मुलाकात होती है कैसा क्या रहता है, अब अंदर जाके ही पता पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग वाले आपको देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग उन्होंने प्रचार लगा रखे हैं कि खान सर के चलते उनका भी थोड़ा धंधा पानी चल जाए। लेकिन खान सर जो है ना सबसे सस्ती और सबसे अच्छी शिक्षा देते हैं, तो बच्चे लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे आते हैं और मैं भी यही सब देखने के लिए आया हूँ। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके का गेट दिखाई दे रहा है और भी चलेंगे अंदर। तो जिस तरीके से देख पा रहे होंगे अभी कोचिंग की छुट्टी हो चुकी है, गेट खोल दिए गए हैं। तो देख रहे हो काफ़ी सारे बच्चे बाहर आ रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है खान जीएस रिसर्च सेंटर मुख्य द्वार। तो दोस्तों देख सकते हो बहुत ज़्यादा बच्चे बाहर आ रहे हैं यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। भाई मैं तो वीडियो में देखता था यूट्यूब के माध्यम से, आज मैं लाइव देख रहा हूँ यहाँ पटना आके। तो भाई गजब यार, ऐसा टीचर मतलब हमारे ज़माने में नहीं हुआ करते थे इतना सोशल मीडिया और इतना कुछ। हमें भी इच्छा होती है कि हम भी ऐसे टीचरों के माध्यम से पढ़ें, लेकिन आज जब खान सर के हम सोशल मीडिया यूट्यूब पे देखते हैं उनके वीडियो, उनकी जो पढ़ाने का स्टाइल, तो हम भी काफ़ी खुश होते हैं अंदर से और सीखने को भी मिलता है। आज भी हम उनसे सीखने की कोशिश करते हैं, और ये लोग बच्चे लोग आ रहे हैं वहाँ से पढ़ के, तो इनका भविष्य तो एकदम ब्राइट हो जाएगा अगर खान सर की बातों पर अगर ये पढ़ना सीख जाएंगे। तो यही है खान सर का रिसर्च सेंटर, अंदर चलने की कोशिश करेंगे भाई लोगों, अगर अंदर वीडियो बन जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। हम गाँव से छोटू वो चलो यार, बंदो संग चलो यार, तो यार अंदर देख हमारा दिल जो है ना सब कर दिया है ना बैठ गया है। इतनी भीड़ तो हमने पहली बार देखी कोचिंग सेंटर में। भाई 8,000 एक बैच में कितने होते हैं जी? अलग अलग मीडिया वाला। हाय भाई, अरे हाथ दिखाओ सर इसे। पढ़ाई कोचिंग कैसे लगा? मैं पढ़ के आया हूँ एक बार में। 4 घंटा दोस्तों देख सकते हो यही है खान सर का जीएस रिसर्च सेंटर। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी भीड़ है, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही है वीडियो बनाने में। खान सर देख रहे हो यहाँ पे उनका एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं। अब यार इतनी ज़्यादा भीड़ है कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने तो पहली बार देखी इतनी भीड़, क्योंकि इतने स्टूडेंट तो शायद बड़े बड़े कॉलेजों में भी, मतलब जो महाविद्यालय वहाँ पर भी नहीं इतने स्टूडेंट मैंने देखे। अभी नहीं आएगा ऑफलाइन बैच, अभी दिसंबर में नहीं आएगा।
बना रहे जितना बना लिया यार। तो जैसा कि दोस्तों अभी हम लोग खान सर की जो कोचिंग सेंटर था उसके अंदर हम लोगों ने क्लास अटेंड की और फिर उसके बाद में उसी गली में है चंद प्रकाश भाई, कैसा लगा? अरे बहुत बढ़िया भाई, गजब भाई। मतलब मैंने मतलब इतनी भीड़ तो पहली बार कोचिंग सेंटर में देखी भाई। लाखों मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं खान सर के पास में। और दूसरी बात, वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है यूट्यूब चैनल शिक्षा के मामले में। तो अभी हम उसी गली में हैं, पीछे जो भीड़ देख रहे हैं सभी कोचिंग सेंटर में बच्चे कोचिंग लेने के लिए आते हैं। तो हम लोग भी गए थे और कुछ क्लिप ली थी मैंने आपको, वो दिखा दी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? खान सर तक अगर वीडियो पहुंचता है तो उनको हमारा सैल्यूट है, सलाम है। तो इस वीडियो को यहीं पे करेंगे समाप्त, मिलते किसी अगली वीडियो के साथ।